हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज यहां पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीयूजेसीईटी 2023 के बारे में। इस वीडियो में जीयूजेसीईटी के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली ए टू जेड डिस्कस की जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे गाइस आप लोगों को जीयूजेसीईटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल अपडेट, हर एक चीज सबसे पहले अपडेट करके नोटिफाई की जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जीयूजेसीईटी 2023 के बारे में और डिटेल में जानना। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। जीयूजेसीईटी स्टैंड फॉर गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जीयूजेसीईटी का फुल फॉर्म है। ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के थ्रू। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो है स्टेट लेवल के एग्जाम है, गुजरात के स्टेट के लिए एग्जाम है। इस एग्जाम के थ्रू आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, बीटेक बी कोर्सेज में, जो कि 4 इयर्स का गाइस आप लोगों का ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का। साथ ही साथ अगर आप जीयूजेसीईटी के एग्जाम को क्लियर करके क्रैक करते तो जीयूजेसीईटी के मार्क्स के बेसिस पे आपको 112 इंस्टीट्यूट से जो कि आपका एडमिशन देंगे उनके इंस्टीट्यूशन में। तो काफी ही ग्रेट एग्जाम है यहाँ पे। इस एग्जाम के थ्रू 112 अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती है, 112 इंस्टीट्यूशन है जो कि ये स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे। इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है, एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। सो गाइस, ये तो जो हमने डिस्कस की ये इसकी जो है हाइलाइट्स थी। अब इसके बारे में और डिटेल में जानना शुरू करते हैं। लाइक बात करेंगे डेट्स की, तो आप लोगों का जो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे जनवरी के लास्ट, जनवरी के एंड में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। एडमिट कार्ड जुलाई के फर्स्ट वीक में रिलीज किया जाता है, जुलाई के सेकंड वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। देन टू अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑफिशियल अथॉरिटी ने जो है ऑफिशियल डेट्स अनाउंस नहीं किए। जैसे ऑफिशियल डेट्स अनाउंस होगी उसके ऊपर हमें एक और वीडियो बना देंगे और उस वीडियो में आप लोगों को जो है हर एक इवेंट की डेट्स जो है पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। सो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, या फिर आप लोग ने अगर जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन करके बराबर अपलोड नहीं किया प्रिस्क्राइब साइज या फॉर्मेट में, तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, क्या प्रोसेस है, कहाँ से ऑफिशियल लिंक मिलेगी, तो जस्ट किसी भी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो गाइस आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, और एल्स इट में लीक टू योर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन एज वेल। तो क्या करना होगा, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में गाइस आप लोगों को जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। तो सिंपली मेक श्योर कीजिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 300 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी। नेक्स्ट मोमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए कंपलसरी मैंडेटरी है कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो गाइस आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, जीयूजेसीईटी के एग्जाम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है आप लोग कैंडिडेट 12 पास आउट रहने चाहिए, सब्जेक्ट पीसीएम या पीसीबी यानी कि फिजिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और एल्स फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पे रहना चाहिए। मीन्स अगर डिपेंड करता है, अगर इंजीनियरिंग कोर्स चाहिए तो उसके लिए पीसीएम रहेगा, फार्मेसी कोर्स चाहिए तो पीसीबी आपका यहाँ पे रहना जरूरी है। मार्क्स की बात करें तो 45% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए और एससी एसटी यानी कि रिजर्व कास्ट के लिए यहाँ पे 40% मार्क्स यहाँ पे मिनिमम रहेंगे। इनकेस यू आर अपेयरिंग स्टूडेंट अपेयरिंग कैंडिडेट तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। आपका एग्जाम गाइस यहाँ पे ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पेपर रहेंगे, इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती 3 लैंग्वेजेस में पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, 3 घंटे में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। 120 आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 120 एमसीक्यू आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। हर एक सही आंसर पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, गलत आंसर पे आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। सिलेबस गाइस नेक्स्ट, आपका सिलेबस काफी वास्ट है तो डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सिलेबस की लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां पे क्लिक करके वहां से आप डिटेल कंप्लीट सिलेबस डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसी के ऊपर एक और लिंक दे दी आपको डिस्क्रिप्शन में स्टडी मटेरियल की, चाहे तो स्टडी मटेरियल भी अगर आपको चाहिए तो वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हैं।
नेक्स्ट मूव ऑन टू एडमिट कार्ड। अब गाइस एडमिट कार्ड जो है उसमें बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स रहती है, लाइक आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स और टाइमिंग्स रहता है, एग्जाम्स के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। रीजन क्या रहता है कि एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना ये नहीं पता होता, या फिर एडमिट कार्ड कब रिलीज हुआ उन्हें ये सारी नॉलेज नहीं मिल पाती। तो आपको साथ ये प्रॉब्लम है, आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगेन मैं आपको जैसे एप्लीकेशन के जहाँ पे मैंने कहा तो वैसे ही सेम यहाँ पे जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा, रिलीज होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, वीडियो में आपको पूरा लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपका एडमिट कार्ड आसानी से विदाउट एनी एरर आप डाउनलोड कर चुके होंगे। सेम एज इट इज फॉर आंसर की, रिजल्ट, काउंसलिंग, हर एक इवेंट आपको लाइव प्रोसेस करके बताए जाएंगे। आपको सेम वीडियो को देखना है ना, आपका इवेंट भी आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। सो गाइस नाउ आई होप आप लोगों को जो है जीयूजे सीईटी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।